मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन लेके, और ये सभी पर्सन एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। साथ ही रोजाना राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डेली राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में पहली बार वर्ल्ड फेयर आयोजन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग याद कर लेना कि राजस्थान के किस जिले में पहली बार वर्ल्ड फेयर का आयोजन किया गया था। तो सही उत्तर रहेगा अजमेर के अंदर, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहाँ स्थापित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग आंसर बताइएगा कि राजस्थान के अंदर कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस जो है कहाँ पे, किस ज़िले में स्थापित किया गया। तो ये जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं, सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग यानी CETT की स्थापना कहाँ की गई। सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग यानी CETT की स्थापना कहाँ पे की गई, CETT की, जो कि उदयपुर के अंदर, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, राज्य का पहला रोप वे जो कि किस ज़िले में प्रारंभ किया गया। हमने जो है राज्य के तीन रोप वे थे, तीनों के बारे में हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन दिया है ताकि आप सभी के माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए। तो अभी हम बात करें राज्य का पहला रोप वे जो कि किस ज़िले में प्रारंभ किया गया। तो राजस्थान के अंदर जालौर ज़िले के अंदर पहला रोप वे जिसको प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं, सत्य सब विधाओं का मूल है ये कथन किसका है। सत्य सब विधाओं का मूल है ये कथन किसका है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। और वीडियो के अंदर ईमानदारी से बताना कि 25 में से आपके कितने सही हुए, से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कॉमेंट में बताना। तो सत्य सब विधाओं का मूल है, इसका सही उत्तर रहेगा आर्य समाज का। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है। टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं, राजस्थान के लोक संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है। राजस्थान के प्रमुख लोक संत पीपा जी जिनके अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन इन्होंने क्या बताया, तो सही उत्तर रहेगा तपस्या ही मोक्ष है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुजरों की गायों को मेवों से छुड़वाने तो अपने जीवन की आहुति दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, एग्जाम में बन चुका है कि राजस्थान के वह कौन से लोक देवता जिन्होंने गुजरों की गायों को मेवों से छुड़वाने तो अपने जीवन का बलिदान दिया था। तो सही उत्तरेगा तेजाजी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तरेगा। तेजाजी पशु मेला जो कि परवसर नागौर में बहुत फेमस है, राजस्थान का एक पशु मेले के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मेला है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं, जैसलमेर राजस्थान के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं। जैसलमेर राजस्थान के राजा जो कि किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं, तो सवांगी माता, ऑप्शन सी हमारा उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करते हैं, राजस्थान में विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। राजस्थान के अंदर विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक थे जम्बोजी, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, राजस्थान में किस त्यौहार पे खेजड़ी की पूजा की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना कि राजस्थान में कौन से त्यौहार पे खेजड़ी की पूजा की जाती है। और वीडियो के अंत में मैं आप सभी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, उसका भी आप लोग उत्तर जरूर बताना, देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर देते हैं। तो यहाँ पर जो है खेजड़ी की पूजा जो की जाती है दशहरे के मौके पर की जाती है, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला जो कहलाता है, कौन सा मेला है जो कि भीलों का कुंभ कहलाता है। तो बेणेश्वर शिव मेला जिसे भीलों का कुंभ मेला भी कहते हैं, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, राजस्थान में पर्वतसर नागौर का पशु मेला कहलाता है। राजस्थान के अंदर पर्वतसर नागौर का पशु मेला कहलाता है। तेजा जी पशु मेला ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुल देवी मानी जाती है। जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुल देवी मानी जाती है नागनेची चामुंडा देवी। ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, राजस्थान के लोक देवता गोगाजी का प्रतीक क्या है। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। राजस्थान के लोक देवता गोगाजी का जो प्रतीक है वो सर्प है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोगों का संबंध अग्नि नृत्य से। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोगों का जो संबंध है वो अग्नि नृत्य से है। तो जसनाती संप्रदाय ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है। राजस्थान के अंदर सास बहू का जो मंदिर है वो नागदा के अंदर है। ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, राजस्थान में नीलकंठ महादेव का मंदिर किस स्थान पे। राजस्थान के अंदर नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है वो भैंस रोडगढ़ में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, गुड फ्राइडे का किस धर्म से संबंधित है। गुड फ्राइडे किस धर्म से संबंधित है, ईसाई संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, राजस्थान में केसरी अनाजी का मेला चैत्रबुद्धि अष्टमी को कहाँ पे लगता है। राजस्थान के अंदर केसरी अनाजी का जो मेला है चैत्रबुद्धि अष्टमी को लगता है मेवाड़ में धुलेव गांव के अंदर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, राजस्थान में गोगा जी का मेला कहाँ पे लगता है। राजस्थान में गोगा जी का जो मेला लगता है वो गोगा मेडी में लगता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं कि गोगा मेडी जो है किस ज़िले में आता है, कितने बच्चे सही उत्तर देते हैं। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, राजस्थान में पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। राजस्थान के अंदर पत्थरमार होली कहाँ पे खेली जाती है, किस ज़िले में खेली जाती है। तो ये बाड़मेर की पत्थरमार होली बहुत फेमस है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, राजस्थान में पोकरण के पास रामदेवरा में कौन सा मेला भरता है। राजस्थान के पोकरण में जो है रामदेवरा का कौन सा मेला भरता है, तो रामदेव जी का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। देखिए इजी क्वेश्चन है क्योंकि रामदेवरा के अंदर रामदेव जी का मेला भरता है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे आस्था केंद्र जो है जहाँ पे मेला लगता है, सबसे बड़ा आस्था केंद्र आदिवासियों का जहाँ पे मेला लगता है जो कि डूंगरपुर ज़िले में आता है, बेणेश्वर इसका सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। चलिए दोस्तों अभी बात करेंगे आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर दे पाते हैं। राजस्थान में 1444 खंभों पर टिका हुआ एक 500 वर्ष पुराना मंदिर निम्न में से कौन सा है। 1444 खंभों पर टिका हुआ एक 500 वर्ष पुराना मंदिर कौन सा है, इसका सही उत्तर आपको बताना होगा। और ये भी बताना होगा कि 25 में से आपके कितने सभी ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट हो, राय या सुझाव देना, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, और लगातार ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।